पोको एक्स सिक्स प्रो। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि पोको एक्स सिक्स प्रो को लेके बहुत सारे लोग फेक वीडियो बना रहे, उसके अंदर बोल रहे कि मदरबोर्ड डेड हो गया, बहुत सारे वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। बाकी वैसा कुछ चीज़ नहीं हुआ था, मैंने पूरा आप लोगों को बताया था कि क्या है रियलिटी, एक्चुअल में क्या चल रहा है यूट्यूब के अंदर, मैंने आप लोगों को पूरा बताया था। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि जब तक इसके अंदर एक्चुअल के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता, मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा या फिर अपना फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला जो बाकी लोग अपने यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर करते हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आता, मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाने वाला कोई भी फेक वीडियोज़ के ऊपर। तो यहाँ पर एक भाई को प्रॉब्लम हुआ पोको एक्स सिक्स प्रो के अंदर, और वो क्या प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा, डिटेल के अंदर बताऊंगा, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस भाई का जो वीडियो है वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि पोको एक्स सिक्स प्रो के अंदर एक्चुअल के अंदर प्रॉब्लम क्या आया इस भाई को। तो पहले ये वाला वीडियो देख लो। तो यार ये है पोको का एक्स सिक्स प्रो, देख सकते हैं नया नवेला फ़ोन है, एकदम नया फ़ोन को लिए हुए अभी मात्र 23 तारीख को मैंने लिया था फ़ोन, आज जो है वो 5 मार्च है, यानी कि अभी 8-10 दिन ही हुए हैं फ़ोन लिए हुए को। तो इसमें इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मुझे देखने को मिला है, जो कि मैंने आज ही नोटिस किया है, 10 दिन में आज मैंने नोटिस किया। इसका बिल है, मैं अगर आपको बिल दिखाऊं तो ये देखिए, IMI नंबर मैं छिपा देता हूँ, वैसे तो दिखाई देता हूँ, क्या ही कर लोगे। ये देखिए 29,000 का मैंने ये फ़ोन लिया था, 512 GB स्टोरेज के साथ है। अगर मैं डिफेक्ट दिखाऊं तो एक बार यहां से देखिए आप, दिख जाओ, ये देखिए यहां से जो पूरा बैक पैनल है वो खुला पड़ा है, ये देखिए। ये देखिए पूरा जो है बैक पैनल खुला हुआ पड़ा है इसका। तो मात्र अभी फ़ोन को लिए हुए मुझे 8-10 दिन हुए, 23 तारीख का बिल कटा हुआ है। यहाँ पे मैं बिल दिखाऊँ तो 23 का जो है वो बिल कटा हुआ है मेरा, 23-3 यानी कि अभी 11 दिन ही हुए हैं लगभग, आज 5 तारीख है, 11-12 दिन के करीब हो गए हैं। 29,000 का मैंने फ़ोन लिया है। तो यार मतलब क्या है ये, अभी सर्विस सेंटर इसको कल लेके जाऊंगा, तब देखते हैं इसमें क्या होगा। मतलब यार पोको हद है यार, ये देखिए ये बिल्ड क्वालिटी है पोको वालों की, ये बिल्ड क्वालिटी है। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा कि इस भाई को क्या प्रॉब्लम आया इस फोन के अंदर पोको X6 Pro के अंदर, ये भाई ने पोको X6 Pro लिया था 30,000 के अंदर, और यहाँ पर ये भाई फोन लेने के बाद 8 या 12 दिन के बाद जो बैक पैनल है वो खुलने लग गया। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगा मेरे को, और भी बहुत सारे मैसेज भेजे भाई ने, बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई ये कभी नीचे ना गिर जाए टूट के, और पोको वाले फोन को रिप्लेस भी नहीं करके दे रहे। ये भाई जो है पोको के सर्विस सेंटर गए, सर्विस सेंटर जाने के बाद उनको साफ साफ बोल दिया गया कि ये फोन रिप्लेस नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला क्लिप देखो, जब ये भाई सर्विस सेंटर से आए उन लोगों ने क्या बोला सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया उन्होंने, तो ये वाला वीडियो देखो, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। और मेरा भी एक फ्रेंड है, मैंने ये वाला प्रॉब्लम उसको बताया, मेरा फ्रेंड भी सर्विस सेंटर के अंदर काम करता है पोको का, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि, तो उसने मेरे को इसका पूरा सॉल्यूशन बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो मैं आप लोगों को लास्ट के अंदर बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। सबसे पहले देखते हैं कि ये भाई को क्या बोला गया सर्विस सेंटर के जाने के बाद। आज है 7 मार्च 2024 और फोन आया था अभी उनका थोड़ी देर पहले, और उन्होंने साफ बहुत मना कर दिया कि भाई रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं होगी। फ़ोन के लिए अभी 12 दिन ही हुए हैं और 12 दिन में यही दिक्कत आ रही है। अब आप सोच सकते हो कि ब्रांड कैसा है, ब्रांड के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं लोग, यानी कि मैक्सिमम जो फ़ोन है वो इन्हीं के ले रहे हैं, पर नहीं यार ब्रांड को कोई फिक्र ही नहीं है, क्या ही बोलें यार, अब क्या ही कर सकते हैं। अब सर्विस सेंटर में भी कह रहे चिपका के दे देंगे, यार तुम कोई सर्टिफिकेशन दे रहे हो वाटर रेजिस्टेंस की, तुम वो तो देखो पहले, तुम किस चीज़ की सर्टिफिकेशन दे रहे हो, हद है यार, मतलब कुछ भी यार। चलो वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि और लोग भी जागरूक हुए, और पोको के ऊपर तो मेरे हिसाब से भरोसा मत ही करो, पोको के ऊपर तो। पोको X3 प्रो लिया उसमें भी दिक्कत, पोको X6 प्रो लिया अब उसमें भी दिक्कत, मतलब एक बार गलती दो बार गलती, कितनी बार गलती करेगा यार ब्रांड, शर्म की बात है पोको, हद की बात है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कुछ नहीं। सो अभी तक आप लोग समझ गए कि पोको X6 Pro के अंदर क्या प्रॉब्लम आया और इस भाई को क्या प्रॉब्लम आया था, आप लोग सब लोग ने देख ही लिया रहेगा। इस भाई का बस एक ही प्रॉब्लम है कि फोन लेने के 8 या 12 दिन बाद इसका जो बैक पैनल है वो खुल गया, और जब ये सर्विस सेंटर में गए फोन को जब दिया, पोको वाले बोलते हैं कि इस फोन को हम लोग रिप्लेस करके नहीं देंगे, इस फोन को आप लोग को हम चुपका के दे सकते, मतलब जो भी प्रॉब्लम है इसको फिक्स करके दे सकते, लेकिन हाँ इस फोन को हम लोग आप लोगों को रिप्लेस करके नहीं दे सकते। और मैंने यही सारी बातें मैंने अपने दोस्त को बोला कि क्या ये एक्चुअल के अंदर सही बोल रहे
रही है या फिर नहीं बोल रही, क्योंकि ये फोन जो है पीछे से बैक पैनल इसका खुल गया है और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो ये प्रॉब्लम इन लोग क्यों नहीं सॉल्व करके दे रहे, मतलब ये फोन जो है रिप्लेस करके क्यों नहीं दे रहे। तो वहां पर मेरे दोस्त ने जो सामने से बोला कि देख इसका जो प्रॉब्लम है बस एक ही सोल्यूशन है, ये फोन को ये लोग ठीक करके देंगे। अगर फोन के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रहा तब ये फोन को रिप्लेस करके देंगे, उससे पहले फोन को रिप्लेस करके नहीं देने वाले। अगर इसके अंदर कुछ ऐसा वारंटी के अंदर है, वारंटी के अंदर इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, अगर वो सॉल्व हो रहा है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देंगे सर्विस सेंटर के अंदर, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो ये फोन को रिप्लेस करके दे देंगे। लेकिन मैंने ये भाई का बोला कि इस भाई का अभी क्या होगा, मतलब ये फोन अभी मतलब रिप्लेस नहीं होगा, तो उसने भी मुझे सेम चीज बोला कि ये जो फोन अभी रिप्लेस तो नहीं होगा लेकिन हाँ इसको फिक्स करके दे देंगे, अगर फोन ठीक हो रहा है तो ही उसको ठीक करके देंगे, अगर फोन ठीक नहीं हो रहा है तो फिर उसको रिप्लेस करके दे देंगे। बस यही एक सोल्यूशन है, अगर ये फोन अंदर से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया या फिर ऐसा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ अंदर से ज्यादा प्रॉब्लम आ गया तो ये पूरा रिप्लेस होकर आ जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है इसका रिपेयर करके दे देंगे उन लोग, और रिपेयर के बाद अगर वापस एक साल के अंदर अगर कुछ हो जा रहा है, मतलब जो भी वारंटी बचा है, तो वापस इसको ठीक करके दे देंगे। तो यही बस इसका सोल्यूशन है और कुछ है नहीं। अब देखो गाइस मैं सिंपल सी एक बात बोलूंगा यार, पोको के फोन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये फोन चाहे कितना भी अच्छा रहे, तो थोड़ा सस्ता है मेरे को पता है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन है, लेकिन मैं बोलूंगा यार ऐसे फोन को मत लो यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है पोको का। मतलब सर्विस भी मैं देखा हूं कि पोको का जो सर्विस है वो बहुत ज्यादा बेकार भी है, उनका जो मतलब जो कस्टमर से बात करने का तरीका है ना वो भाई अलग ही लेवल का है। और इस भाई के लिए यार बहुत ज्यादा खराब लग रहा है कि ये भाई को मतलब बार बार दो दो बार फोन खराब मिला, वो भी दो दो बार पोको का फोन लिया, दोनों बार ही पोको का फोन खराब मिला। पहला फोन पोको X3 Pro लिया, वो भी खराब हो गया, जिसे कि आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद फिर अभी पोको X6 Pro लिया, उसके अंदर भी बैक पैनल जो वो निकल जा रहा है, और जो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। और मुझे ये भाई ने बोला कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ ताकि लोगों के पास ये वाला वीडियो पहुंचे कि क्या क्या प्रॉब्लम आया पोको X6 Pro के अंदर, और मुझे क्या प्रॉब्लम आया और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और इसका जो सोल्यूशन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, अगर आप लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको सिर्फ फिक्स करके दिया जा सकता है, ये फोन रिप्लेस नहीं होने वाला। और गाइस देखो लास्ट के अंदर एक ही चीज बोलूंगा, देखो जितना हो सके पोको के फोन से दूर रहो, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा फोन बनाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन भी है, लेकिन इनका जो सर्विस वो बहुत ज्यादा बेकार है। अगर आप लोगों को फोन ही लेना है तो कोई और कंपनी का ले लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोगों को पोको की तरफ ही जाना है तो आप लोग ले सकते हो, सब कुछ आपकी मर्जी। लेकिन हाँ मेरे तरफ से मैं बोलूंगा पोको की तरफ से थोड़ा सा मतलब पोको से थोड़ा दूर रहो तो ही बेस्ट रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने और भी दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर कर दो ताकि उनके पास भी ये वाला वीडियो पहुंचे। तो बस मिलते किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा।